बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये तो गुजर गया, मैंने कहा लोगों ने ईद कैसे गुजारी भाई, वो भी तो आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, फैमिली का हिस्सा हैं, तो फैमिली को भी सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आज के व्लॉग में चले लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, और व्लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं प्रॉपर बात। यूट्यूब फैमिली, आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ मशहूर जो टिकटॉकर हैं एक और हमारे पाकिस्तान की, जैसे कि आपने मेरे पहला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने जन्नत मिर्ज़ा को दी मुबारकबाद उनके एंगेजमेंट पर। और आज मैं बात करने लगी हूँ कंवल की जी, कंवल आफ्ताब जिनकी हाल ही में निकाह हुआ है किससे, ज़ुल्करनैन से। और बहुत अच्छा कपल है और बहुत एक दूसरे के साथ मीन के हर जगह आप लोगों को देखने में नज़र आते हैं, ब्लॉग्स में भी एक दूसरे को, एक दूसरे जो ज़ुल्करनैन ब्लॉग बनाता है उन ब्लॉग्स में भी वो आप दोनों को आप सबको वो लोग नज़र आते हैं वो दोनों। तो भई आज मैं ये बात करूँगी कि ज़ुल्करनैन और कंवल ने क्या नाम है रमज़ान कैसे गुजारा, और ईद की स्पेशल बात करूँगी कि उसकी ईदी की ख़रीदारी जो है वो कैसे हुई और वो कैसे उनको आए ईदी देने। तो सबसे पहले कंवल जी जो इनके रमज़ान अफ्तार वगैरह थे उनमें क्या नाम वो अक्सर साथ में होते थे दोनों, कंवल और ज़ुल्करनैन। और उसके बाद फिर बारी आई ईदी की, तो वो ईदी लेने अपनी किसी अफ्तार पे गई थी, वहाँ से उसके सास ने कहा कि आप जाएं जाकर ज़ुल्करनैन के साथ जाकर अपने ईद की शॉपिंग करें। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपको लड़कियों को जिनके निकाह हुए हैं और जिनकी निकाह करके भी हम लोग थोड़े ऐसे बाद शादियां कर रहे होते हैं, तो उनको ना उनके हस्बैंड के साथ ही भेज कर ना शॉपिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जिसने पहनना है उसकी पसंद की चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप जाते हैं, इतने ज़्यादा पैसा आप खर्च के भी आ जाते हो, फिर जिसने को पहनना है उसको चीज़ पसंद ना आए तो फिर पैसे भी ज़ाया होते हैं और फिर दिल भी इंसान का दुखता है कि मैंने इतनी चाल से एक चीज़ लेकर आया तो अगले को पसंद नहीं आई। तो वो उनकी अम्मी ने कहा, ज़ुल्करनैन की अम्मी ने, कि आप ज़ुल्करनैन को कि जाओ जाकर आप कंवल को ईद की शॉपिंग करवा कर आओ। तो फिर कंवल को लेकर वो गए गुजरात, गुजरात में से उनको कुछ पसंद नहीं आया, फिर वो गए गुजराले, गुजराले से उन्होंने की अपनी ईद की शॉपिंग, और ईद की शॉपिंग करने के बाद वो ईद की सारी जो शॉपिंग थी वो लेकर ज़ुल्करनैन वापस चले गए गुजरात, और वो आ गई वापस लाहौर। अब कुछ दिनों बाद फिर उनके एक और ब्लॉग आता है, वो ईदी देने आते हैं और फिर ईदी दे के चले जाते हैं। ऑब्वियसली उसने अपने पसंद की शॉपिंग की थी तो उसको सारी चीज़ें पसंद तो आई ही हैं, ऑब्वियसली उनकी पसंद की थी उनको पसंद तो आई होंगी। मुझे बीच में थोड़ा सा ब्लॉग रोकना पड़ा था और नमाज की वजह से, तो मैंने कहा चले अजान हो रही थी, अजानें सुनी, मैंने कहा वापस वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद आप सबको पता है जैसे कि यकदम ईद मुबारक भई, तो बाइक वाले गुजर जाए मैं बाद में बना लूँगी, और जैसे आप सबको पता है कि यकदम चांद रात मुबारक हो गई थी हम सबको, 11 बज के कुछ मिनट हुए थे, तो एकदम से मस्जिद में ऐलान हुआ कि सुबह भई तुम लोगों की ईद है, तो हमने कहा चलें जी ईद है तो हम सुबह ईद करेंगे। तो जब ईद का ऑब्वियसली वो ज़ुल्करनैन की भी ऐसी तैयारी होगी कि मैं चांद रात को जाऊँगा कंवल के पास, तो आप सबको पता है लॉकडाउन था, बाहर ना मेहंदी लगवाने जा सकते थे, ना चूड़ियाँ खरीदने, कुछ भी नहीं था, कोई शॉपिंग वगैरह मैंने भी कुछ भी नहीं किया था, और एकदम से आपको पता है लॉकडाउन की वजह से, और दूसरा ना कोई स्टॉल थे मेहंदी, कुछ भी नहीं था। तो जब रात को 11 बज के 30 मिनट के पास पास शायद ऐलान होता है, फिर वहाँ से गुजरात से ज़ुल्करनैन आता है अपनी बीवी के पास, ऑब्वियसली उनका निकाह हो चुका तो उनकी वाइफ है, उनके पास आता है कंवल के पास, और फिर कंवल उनसे डिमांड करती है कि मुझे बाहर लेके जाओ, मैंने मेहंदी लगवानी है। तो वो उससे कहता है कि नहीं, हम वैसे कुछ खाने पीने चले जाते हैं क्योंकि आप टेक अवे वगैरह जाकर ले सकते थे, और वापस मैं आकर आपको घर पे मेहंदी लगवाऊंगा। फिर वो जाकर कंवल की भाभी को उठाते हैं, वो आकर उनको लगाती हैं मेहंदी, और उसके बाद वो सबको एडवांस में ईद मुबारक कहते हैं, और इस तरह उन लोगों की ईद हो जाती है कंप्लीट। तो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि भाई एक अच्छा कपल है, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और आजकल शादियों का सीज़न भी चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के निकाह हो रहे हैं, किसी की बात पक्की हो रही है, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, किसी की पिक्चर वायरल हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, और हमारा काम है, मेरा काम मैं स्पेशली अपने YouTube फैमिली के लिए अच्छी अच्छी जो भी न्यूज़ ताज़ा ताज़ा आए वो सारी खबरें आप लोगों के पास लेकर आने का। और इसके बाद का जो व्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तूबा और अमर लियाकत के दरमियान में क्या चल रहा है, वो जो अंदर की बातें वो भी मैं लेकर आऊँगी। उसके बाद आपको पता होगा एक सॉन्ग आज कल सायर अली बगा का और अलीज़े का जो वायरल हुआ हुआ है, और अलीज़े का
क्या कह रहे हैं लोग, वो सारी बातें भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से करूँगी। तो अगले व्लॉग तक हाँ हाँ जाना नहीं, अभी पहले जाकर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो करना है और स्नैपचैट पे मुझे ऐड करना है और जाकर फेसबुक पे मेरा पेज हिनाडेम व्लॉग वाला वो फॉलो करना है। दूसरे पेज आप चाहें तो मेरा फेसबुक आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और थैंक यू सो मच, मेरी फैमिली माशाल्लाह बढ़ती जा रही है यूट्यूब की, और अल्लाह ने चाहा तो इस तरह एक दिन 10 मिलियन हो जाएंगे, तो बस वक्त का पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा काम है मेहनत करना और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों तक लेकर आना। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।